जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। तबीयत में काफी जल्दी सुधार आया है, बस ऐसे ही दवाई लेते रहना, एक हफ्ते में दौड़ने लायक हो जाओगी। डॉक्टर, हम दोबारा बच्चे के बारे में कब सोच सकते हैं? कुछ महीने बाद, यूजुअली एक दो महीने में ही शरीर दोबारा माँ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बाकी मैं आपके टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद ही कंफर्म बता सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जी, दोबारा कब आना है? अगले हफ्ते आइए, तब तक आपके रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। कितना अच्छा लगा सुनकर कि कुछ महीनों बाद मेरा शरीर जैसे माँ बनने लायक हो जाएगा और फिर हम अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हैं। चलती तनु, तनु पता नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है, अंदर से कितना खालीपन महसूस हो रहा है। मैंने अब मैंने जिंदगी में अच्छे से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहां अपने साथ लेकर आई ताकि तू सुन सके कि डॉक्टर क्या कहती है। अब मैं जल्द से जल्द माँ बोले। मैं काम करता हूँ, मैं तू बाहर तक, मैं तब तक गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू मेरे साथ यहाँ आने के लिए। तो मेरी जिम्मेदारी है गुंजन, इस हफ्ते कोई शो है तेरा? कहाँ? चंडीगढ़ में। मैं चलूँ तेरे साथ? नहीं। तू जा, जाके फ्रेश हो जा, फिर हम मार्केट चलते हैं। चाई जी ने कहा कि सब्जी खत्म हो गई है। क्या हुआ? तूने पहले भी जवाब नहीं दिया था, सुना था ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा था कि हम कुछ महीनों बाद परिवार बढ़ा सकते हैं। कुंजन, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। रणवीर, मैंने तुम्हें कहा ना मैं क्या चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ रणवीर। और फिर वो जो औरत मिली थी अस्पताल में, उसने भी तो कहा ना कि तू बहुत अच्छा पापा बनेगा। कुंजन, तू अपने करियर पे ध्यान देना, तेरे मेरी वजह से या उस औरत की वजह से अपना फैसला बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं रणवीर पर ये फैसला मैंने दिल से लिया है, किसी और के खातिर नहीं, अपने खातिर। मतलब बैसाखी से पहले 3 कॉन्सर्ट हैं। टिंगरा साहब, आप चाहें तो और भी शोज ले सकते हैं। ऑफर तो बहुत है रणवीर सर, मैं चाहूं तो 4-5 शो ले सकता हूं, पर इसका मतलब यह होगा कि आपको पूरे 1 महीने घर से बाहर रहना पड़ेगा। आप ही ने कहा था ना कि आपको घर के लिए वक्त चाहिए। हाँ, वक्त की चिंता ना कीजिए डिंगरा साहब, आपको जितना वक्त चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है रणवीर सर,
जैसा आप कहें। क्या बीजे कुंजन मैडम नहीं दिखाई दे रही है, कैसी तबीयत है उनकी अभी? ठीक है, अभी वो कमरे में होगी। उन्होंने रिहर्सल ज्वाइन नहीं किया ना, बस ऐसे ही पूछ लिया। छोटा मुंह बड़ी बात, पर गुंजन जी का म्यूजिक वीडियो में बहुत बड़ा नाम हो सकता है। उनके अंदर जो टैलेंट कूट कूट के भरा है ना, उन्हें काम करना चाहिए। मैंने उस पर कभी कोई रोक नहीं लगाई डेंगरा साहब, वो जो चाहे वो कर सकती है। अरे डेंगरा साहब, आप कब आए? थोड़ी देर हो गई, आप कमरे में आराम कर रही थी ना? जी। अरे अच्छा याद आया, आप दोनों को एक खुशखबरी देनी थी। अब आप भी हो यहाँ पे। एक कंपनी है जो रणवीर सर के सारे गाने एक सीडी में रिलीज करना चाहती है। इतने समय से मैं जो कोशिश कर रहा था वो कामयाब हो गई। उस कंपनी ने हमसे आपके सारे गाने के राइट्स खरीद लिए और ये अगले हफ्ते रिलीज करेंगे। सच? अरे डिंगरा साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रणवीर सर, आपको आना है उस फंक्शन में फीता काटने गुंजन जी के साथ। जी डिंगरा साहब, मैनू भी आना है? हाँ जी, खास तौर से कहा गया है कि रणवीर सर को अपनी पत्नी के साथ आना ही होगा फंक्शन में। दिल्ली में होगा फंक्शन, बहुत बड़े हॉल में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप तारीख बता दीजिएगा। जी सर। जी जी, सत श्री अकाल। तेनू भी चलना है दिल्ली फंक्शन में फीता काटने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों? तू नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ चलूं? तेनू चलना है तो चल। रणवीर, कितनी अच्छी खबर सुनाई ना ढिंगरा साहब ने। किसी भी गायक के करियर में इतने जल्दी कोई भी कंपनी उसके सारे गाने एक साथ रिलीज करना चाहे, ऐसा कभी सुना है? अब तो ऐसा लगता है कि मैंने इतने भी अच्छे गाने कोई नहीं गाया, ऐसी वक्त पर बात कर दिया। भले वाला मामला सुलझ जाने के बाद पता नहीं क्यों ऐसे ही घर पे बैठे रहा मैं। इससे अच्छे गाने गा लिए होते। फिकर ना कर, तू आराम से सब कुछ खा सकती है, सब कुछ घर पे बनाया मैंने। ए कचौड़ी भी, आइसक्रीम भी और है गाजर का हलवा भी। तूने जो मेरे साथ प्यार के पल बिताए वो तेरे वक्त की बर्बादी लग रही है ना रणवीर। खत्म हो गया ना हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।